हेलो अस्सलाम वालेकुम, हाउ आर यू ऑल, वेलकम बैक टू माय चैनल। अच्छा, आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि कैसे हम इन दो इक्वेशंस को जो गिवन है उसको सॉल्व कर सकते हैं मैट्रिक्स की फॉर्म में। मैट्रिक्स के थ्रू हम कैसे इसको सॉल्व कर सकते हैं। सॉल्व करने का मतलब क्या है कि हमें ये जो एक्स गिवन है वेरिएबल और जो वाई गिवन है वेरिएबल, हमें उसकी वैल्यू फाइंड करनी है, लेकिन मैट्रिक्स मेथड यूज़ करते हुए। ठीक है, उसके बहुत सारे मेथड्स होते हैं एक्स और वाई की वैल्यू फाइंड करने के लिए, लेकिन वी है मेंशन है क्वेश्चन में कि आपको मैट्रिक्स मेथड यूज़ करते हुए इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। तो मैट्रिक्स मेथड से इस इन दो इक्वेशंस में एक्स और वाई की वैल्यू कैसे फाइंड कर सकते हैं वो हम इस वीडियो में सीखेंगे। ठीक है, सबसे पहला स्टेप ये होगा कि हम इस इन दोनों इक्वेशंस को मैट्रिक्स की फॉर्म में कन्वर्ट कर लेंगे। किस तरह से, कि पहले हम मैट्रिक्स लिखेंगे, ये कोफिशिएंट का मैट्रिक्स 5। फर्स्ट इक्वेशन में एक्स का कोफिशिएंट क्या है 5, और फिर यहाँ पे वाई का कोफिशिएंट क्या है -2। ठीक है, सेकंड इक्वेशन में एक्स का कोफिशिएंट क्या है 2, और वाई का कोफिशिएंट क्या है -1। तो ये हमारा फर्स्ट मैट्रिक्स बन गया। सेकंड मैट्रिक्स हमारा होगा एक्स का और वाई का। ठीक है, और फिर ये इक्वल्स टू को हम ऐसे ही लिख लेंगे, और फिर हमारा नेक्स्ट मैट्रिक्स क्या हो जाएगा इसका 1 0। ठीक है, सबसे फर्स्ट स्टेप क्या है कि इस इक्वेशन को मैट्रिक्स में कन्वर्ट करना। अब इन मैट्रिसेस को हम नाम दे देंगे। हम इस वाले मैट्रिक्स को क्या नाम देंगे ए, इस वाले मैट्रिक्स को हम नाम देंगे एक्स, इस वाले मैट्रिक्स को हम नाम देंगे x, और फिर ये इक्वल्स टू ऐसे ही आ जाएगा। इस वाले मैट्रिक्स को हम क्या नाम देंगे b। तो हमारे पास इक्वेशन क्या हो गई ax इज इक्वल्स टू b। बट हमें यहाँ पे फाइंड क्या करना है, हमें एक्चुअली x फाइंड करना है। x मैट्रिक्स में क्या है x और y, तो हमें मैट्रिक्स x फाइंड करना है। तो हम a को कहाँ सेंड कर देंगे दूसरी साइड पे, तो वो क्या हो जाएगा हमारे पास a इनवर्स b। मीन्स x फाइंड करने के लिए हमारे पास दो चीज़ें होनी चाहिए, एक होना चाहिए a इनवर्स और एक होना चाहिए हमारे पास b मैट्रिक्स। क्या b मैट्रिक्स हमारे पास ऑलरेडी है? यस, b मैट्रिक्स तो हमारे पास ऑलरेडी है, लेकिन हमारे पास a इनवर्स का मैट्रिक्स नहीं है। हमारे पास a का मैट्रिक्स तो है लेकिन a इनवर्स का मैट्रिक्स नहीं है। तो a इनवर्स कैसे फाइंड करते हैं, हमने पिछली वीडियो में मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स फाइंड करना सीखा था। उसका फॉर्मूला क्या था, एडजॉइंट ऑफ a अपॉन ए डिटर्मिनेंट। इट्स वेरी मच इम्पॉर्टेंट कि आप इस वीडियो को देखने से पहले इसकी प्रीवियस वीडियोज, जैसे कि मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, ए डिटर्मिनेंट। ओके, सो फर्स्ट वी आर गोइंग टू फाइंड ए डिटर्मिनेंट। ए डिटर्मिनेंट के लिए हम ए मैट्रिक्स को लिख लेंगे 5 2 -2 and 1। ओके, नाउ डिटर्मिनेंट हम कैसे फाइंड करते हैं, इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं और इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं। 5 × 1, देन वी पुट अ माइनस एंड देन -2 × 2, ये हमारे पास है -1। ठीक है, तो यहाँ 5 × -1 -2 × 2, 5 × -1 is -5, minus remains as it is, 2 × 2 = 4, but -4, plus minus minus, okay? फिर -5 - -4, -5 + 4 is -1। तो ए डिटर्मिनेंट का आंसर क्या आ गया हमारे पास -1। ओके, नाउ हमें क्या फाइंड करना है, एडजॉइंट ऑफ ए डिटर्मिनेंट ने फाइंड कर लिया, नाउ वी हैव टू फाइंड एडजॉइंट ऑफ ए। एडजॉइंट ऑफ ए कैसे फाइंड करते हैं, एडजॉइंट ऑफ ए हम इस तरह से फाइंड करते हैं कि हमने एडजॉइंट ऑफ ए मैट्रिक्स पिछली वीडियो में फाइंड करना सीखा था, जिसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगी और आई विल अटैच इट इन द कार्ड्स एज वेल। ओके, सो फर्स्ट वी आर गोइंग टू चेंज द पोजिशन ऑफ दीज टू प्लेसेस, दैट इज -1 and 5, और इन दोनों की हम साइंस को चेंज करते हैं, इसकी 2 और इसकी -2। ठीक है, बट इफ यू स्टिल हैव एनी कन्फ्यूजन यू कैन आस्क मी इन द कॉमेंट बॉक्स। ओके, सो हमने दोनों चीज़ें फाइंड कर ली, यहाँ पे एडजॉइंट ऑफ ए भी हमने फाइंड कर लिया है और हमने क्या फाइंड कर लिया है, ए डिटर्मिनेंट भी फाइंड कर लिया। तो हम क्या ए इनवर्स इजीली फाइंड कर सकते हैं? ऑफकोर्स। ठीक है, न्यूमरेटर में हमारे पास था एडजॉइंट ऑफ ए, तो मैंने न्यूमरेटर में एडजॉइंट ऑफ ए लिख लिया है, और डिनोमिनेटर में हमने ए डिटर्मिनेंट की क्या वैल्यू फाइंड की है, -1।
ठीक है, तो इट मीन्स दैट सारे ही एलिमेंट्स को मैं माइनस वन से डिवाइड कर दूंगी. माइनस वन डिवाइड बाय माइनस वन, टू डिवाइड बाय माइनस वन, माइनस टू डिवाइड बाय माइनस वन एंड फाइव डिवाइड बाय माइनस वन. तो यहाँ पे माइनस माइनस विल बी कैंसिल, हमारे पास क्या आएगा वन, यहाँ पे हमारे पास माइनस टू, यहाँ पे टू, यहाँ पे माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे माइनस फाइव. तो हमने क्या फाइंड कर लिया, ए इनवर्स. अब ए इनवर्स हमने फाइंड कर लिया, तो मेन रिक्वायरमेंट तो हमारे पास एक्स को फाइंड करनी है. मींस अब एक्स को फाइंड करने के लिए हमने क्या लिखा था फॉर्मूला, ए इनवर्स को हमने किससे मल्टीप्लाई करवाना है, बी से. एक्स मैट्रिक्स भी हम लिख लेंगे. एक्स मैट्रिक्स हमने जो सपोज किया था वो क्या था, एक्स एंड वाई. और ए इनवर्स का मैट्रिक्स हमने क्या फाइंड किया है, ये वन माइनस टू, टू एंड माइनस फाइव. और इसको हम किससे मल्टीप्लाई करवाएंगे, बी मैट्रिक्स है जो कि हमारे पास क्या था, वन और जीरो. ठीक है, दिस इज द लास्ट स्टेप ऑफ मैट्रिक्स मेथड. हम इनको मल्टीप्लाई करवा देंगे. मल्टीप्लीकेशन ऑफ मैट्रिसेस भी हमने पहले लर्न किया था, तो हम मैं फिर से रिकॉल कर दूंगी, हम इस मैट्रिक्स के रो को इस मैट्रिक्स के कॉलम से मल्टीप्लाई करवाते हैं. सो वन मल्टीप्लाई बाय वन प्लस माइनस टू मल्टीप्लाई बाय जीरो. ठीक है, फिर अब इस वाली रो के इस वाले कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे, टू मल्टीप्लाई बाय वन प्लस माइनस फाइव मल्टीप्लाई बाय जीरो. और ये हमारे पास एक्स एंड वाई. ठीक है, अब इसको हम थोड़ा सा आगे सॉल्व कर लेंगे. सो हमारे पास क्या वैल्यू आ जाएगी, वन वन जा वन प्लस माइनस टू को हम जीरो से मल्टीप्लाई करेंगे, सो आंसर विल बी जीरो. टू वन जा टू एंड माइनस फाइव को हम जीरो से मल्टीप्लाई करेंगे, सो आंसर विल बी जीरो. तो मीन्स हमारे पास क्या वैल्यू आई है, वन एंड टू. तो मीन्स और वी कैन से x की वैल्यू क्या है हमारे पास, वन, और y की वैल्यू क्या है हमारे पास, टू. तो ये हमारे पास सॉल्यूशन सेट आ गया, x और y की वैल्यूज हमने फाइंड कर ली. इफ यू हैव एनी कंफ्यूजन रिलेटेड टू दिस वीडियो प्लीज आस्क मी इन द डिस्क्रिप्शन. कट कट कट. तो मीन्स हमने कौन से दो फॉर्मूलाज को याद रखना है, फर्स्ट फॉर्मूला इज दिस. ठीक है, हमें इनवर्स और बी फाइंड करना है. इनवर्स को हम कैसे फाइंड कर सकते हैं, ऐसे एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन ए डिटरमिनेंट. दीज आर द वेरी टू इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज फॉर दिस मैट्रिक्स मेथड. इफ यू हैव एनी कंफ्यूजन रिलेटेड टू दिस वीडियो प्लीज आस्क मी इन द कमेंट बॉक्स. हैव अ गुड डे. अल्लाह हाफिज़.